यार तुम्हें सबसे पहले ये बता देता हूँ कि 12th का क्या सिलेबस है और कौन कौन क्या क्या करने वाला है भैया। इस तरीके से देख लो यार, सबसे पहले अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूँ, बस आपको सिलेबस का आइडिया दे रहा हूँ। हमारा जो वॉल्यूम 1 है वो पूरा का पूरा हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाम से ही पता चल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब किसके बारे में पढ़ोगे भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फिर इन दोनों का क्या लिंक है आपस में, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो ये पूरा पूरा वॉल्यूम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सब चीजों से चलेगा। ये है आपका वॉल्यूम 1। वेयर एज अगर वॉल्यूम 2 की बात करें तो वॉल्यूम 2 में जो हमारा मेजर पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में मतलब हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सब चीजें पढ़ेंगे। डन डन डन, यस सर, यस बिल्कुल। सर। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ हमने डिवीजन किस हिसाब से किया है। यार आपकी मोस्ट ऑफ द क्लासेस, जैसे वीक में आपकी जैसे 3 क्लासेस या 2 क्लासेस राकेश सर लेते हैं और 1 क्लास मैं लेता हूँ, तो डिवीजन कुछ इस हिसाब से किया है कि यार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, द फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो तुम्हें राकेश सर करा देंगे, और जो सेकेंड वॉल्यूम है मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स वाला पार्ट, ये मैं करा रहा हूँ। क्या इसमें कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। बढ़िया। ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब तुम्हारा ये 12th का काफी हद तक पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद हम साइमल्टेनियसली साथ साथ 11th का पोर्शन भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो भैया याद यस रखना, सर, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से ही उस हिसाब से फोकस्ड रहना, और उस हिसाब से ही अपना कुछ एक प्लान बना के रखना कि हाँ भैया हमें 11th और 12th दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि हमें पता है 11th में लास्ट टाइम कुछ एक दो चैप्टर्स ही कवर हो पाए थे, उससे ज्यादा कवर नहीं हो पाया था, लेकिन अब यस सर, प्रॉपरली टाइम है, सब कुछ है, तो 11th और 12th दोनों साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। यस सर। डन। तो ऐसा मत करना कि भैया बाद में बोलने लग जाओ कि सर 12th का चलने दो, बोर हो रहे हैं 11th से। भैया माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर करके रखना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं 12th का सेकेंड वॉल्यूम, जो मैंने बोला ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। और काफी कुछ ऑप्टिक्स का आपने 10th क्लास में पढ़ ही रखा है, जैसे आपने 10th क्लास में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस वगैरह के बारे में पढ़ रखा है, यस बस सर, वही सब चीजें स्टार्टिंग में रिपीट होने वाली है। कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी, लेकिन मेजरली पोर्शन आपका रिपीटेड ही चलेगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से। यस सर, डन डन डन। तो भैया सबसे पहला डिस्कशन, छोटी छोटी बातें यार, अगर मैं आपसे पूछूं लाइट, लाइट का नेचर कैसा है, क्या लाइट एक पार्टिकल है या लाइट एक वेव है? स्वेव जैसे आपने साउंड चैप्टर पढ़ा लास्ट क्लास, 11th का लास्ट यस चैप्टर, वेव्स, सर, यस साउंड एक सर, वेव है, और साउंड किस टाइप की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और उसका एक और क्लासिफिकेशन की बात करूं वो मैकेनिकल वेव है। तो यस आओ सर, इधर देखते हैं लाइट क्या है। तो यार लाइट, आप लोग कह रहे हो कि लाइट एक वेव है, लेकिन अब आपको इस 12th में पता चलेगा जब हम मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे कि लाइट एक्चुअल में ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है कि लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, और इस पार्टिकल का नाम होता है फोटॉन्स, वेयर ओके एज लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है। जैसे साउंड हमारी मैकेनिकल वेव है, ऐसे ही लाइट किस टाइप की वेव है? तो याद रखो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोमैग्नेटिक वेव है। अब होगा क्या, हम लाइट के बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जहां पे हमारा सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ही उसको एक्सप्लेन कर सकता है, वेरस कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जहां पे हमारा उसका सिर्फ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकता है, वेरस कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जिसको आप जिस मर्जी कॉन्सेप्ट से समझ लो, दोनों इक्वलेंट उसको अच्छे से समझा पा रहे हैं। तो यही चीज हम करेंगे रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें चाहे आप लाइट को एज अ पार्टिकल लेके चल लो या लाइट को एज अ वेव लेके चल लो, दोनों तरीके से ही आप अच्छे से समझ पाओगे। वेयरस जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो उसमें आपको लाइट को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एज अ वेव ही वेव, कंसिडर करना पड़ेगा। यस और ऐसे ही सर, मैं एडवांस में बता रहा हूँ, ऐसे एक चैप्टर आएगा ड्यूअल नेचर, तो उस केस में आइंस्टीन ने ये प्रूव करके दिया कि भैया लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, और वो पार्टिकल का नाम उसने दिया फोटॉन्स। तो बस आप फिलहाल इतना ही याद रखो, लाइट एक ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस चैप्टर को समझने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, आप फिलहाल के लिए यही अज्यूम करके चलो कि लाइट एक वेव है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर लाइट एक वेव है तो भैया इसकी कोई स्पीड होगी वैक्यूम के अंदर, इसकी क्या स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई? वेरी गुड, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको ये चीजें याद है।
यस अब मैं सर, लाइट को वेव भी कह रहा हूँ, तो यार आपने 11th के लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, वेव से रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं, ध्यान देते जाओ। पहला टर्म भैया वेव वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेव वेलोसिटी, और ये किस पे डिपेंड करती है? न्यू लैम्डा अरे वेरी गुड, वेव वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं सी से या वी से, जिससे आपका मन करे, और इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को न्यू से इंडिकेट करते हैं, न्यू लैम्डा। याद रखो ये जो वेव वेलोसिटी है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? ये वेव वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। मतलब जब सर। तक आपका मीडियम सेम चल रहा है तब तक लाइट अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आपने मीडियम चेंज कर दिया तो लाइट अपनी स्पीड चेंज कर लेगी। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड, और ये किसके अंदर होती है? ये स्पीड इसकी वैक्यूम या एयर के अंदर होती है। अगर आप एयर या वैक्यूम के सिवा कोई और मीडियम लेके आ गए तो भैया कोई और मीडियम वैक्यूम या एयर से डेंसर होगा हमेशा। तो अगर हमेशा डेंसर होगा तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। चेक करो क्या फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। बढ़िया, आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ उज्ज्वल बोलो बोलो, सही बोल रहे थे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। वेरी गुड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। अब लेकिन यार इसमें एक पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आ गया समझो भैया, नेक्स्ट स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट 11th में हमने पढ़ा साउंड। साउंड होती है एक मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है कि यार इसको है ना मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इसलिए साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड्स में ट्रैवल करती है और वैक्यूम में ट्रैवल कर ही नहीं सकती क्योंकि वैक्यूम में मीडियम नहीं होता। तो यार मैकेनिकल वेव के अंदर हमारा वाइब्रेट क्या करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है? मीडियम के पार्टिकल्स। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर, सर, वेरी गुड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को स्ट्राइक कर रहा हूँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो भैया यस इसके अंदर सर, क्या वाइब्रेट कर रहे होंगे? इसके मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। पार्टिकल, वेरी गुड, लेकिन हमने कहा लाइट, लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत क्या है कि इसको मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अगर इसको मीडियम दिया तुमने तो भैया इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पार्टिकल्स तो होते ही नहीं, तो फिर इसमें वाइब्रेट क्या कर रही है? वाइब्रेट कौन सी चीज कर रही है? क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस डन, कि लाइट को तो पार्टिकल्स चाहिए ही नहीं ट्रैवल करने के लिए, तो फिर लाइट के अंदर कौन सी चीज है जो वाइब्रेट कर रही है? बिकॉज विदाउट वाइब्रेशन वेव्स तो प्रोड्यूस हो नहीं सकती, तो कौन सी चीज सर, वाइब्रेट कर रही है? फोटोन, फोटोन, अभी तो मैंने क्या बोला, आप इस चैप्टर में लाइट को एज अ वेव लेके चलो, पार्टिकल को अभी फिलहाल भूल जाओ, तो यस सर, फिर फोटोन की तो बात आएगी नहीं। तो याद यस सर, रखो क्या वाइब्रेट करता है, इसमें वाइब्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम से समझ जाना चाहिए था आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मतलब इसमें याद रखना क्या चीज वाइब्रेट करती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है। यस सर, अब आप बोलोगे सर ये टर्म तो हमारे लिए नए हैं, हमने कभी पढ़े ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ी होगी कि यस एक मैग्नेट होती है, उसके आसपास एक रीजन क्रिएट हो जाता है इस टाइप से, इस रीजन के अंदर ही ये मैग्नेट अपना फोर्स एक्सपीरियंस करा सकती है, तो इसको यस कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली जब आपका 12th का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट वॉल्यूम, उसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज लूं या एक नेगेटिव चार्ज लूं, इसके आसपास भी है ना एक इमेजिनरी रीजन क्रिएट हो जाता है जिसमें वो अपना फोर्स लगा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड, डिटेलिंग में नहीं जाना, अभी हमारे कोई काम का नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि याद रखना लाइट के केस में भी चीजें वाइब्रेट करती हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। यस सर, डन, अब याद रखो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगी, सोर्स कि भैया प्रोड्यूस किसने करी है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, यार एग्जाम्पल ये है कि सपोज मेरे रूम में एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट निकल रही है, हमें पता है इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट निकलेगी। अब ये लाइट यस कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट भी करेगी, कहीं ना कहीं से रिफ्रैक्शन भी करेगी, लेकिन चाहे लाइट रिफ्लेक्शन कर ले या रिफ्रैक्शन कर ले,
सोर्स मेरा सेम है या सोर्स चेंज हो गया? यार हमारा सोर्स जिसने लाइट को प्रोड्यूस किया था वो अभी भी सेम है, इलेक्ट्रिक बल्ब अभी भी वही है, तो इस केस में हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्यों? चाहे लाइट रिफ्लेक्ट कर ले चाहे रिफ्रैक्ट कर ले। यस सर। यहां तक की बातें भी क्लियर हो गई हैं? यस यस। सर। बढ़िया। थर्ड पॉइंट, वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको पता होगा ये भी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव ड्यूरिंग वन यस सर। ऑसिलेशन। तो फिलहाल बस मैं इसको यही लिख लेता हूँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव। चलो इतना पूरा लिख देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव। तो अब आप यहां तक चीजें चेक कर लो, जो भी ये चीजें मैंने बोली इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो मैं अपना चैप्टर की स्टार्टिंग करता हूँ फिर। नो चैप्टर भी सो। स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ये तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो अब हमारे काम आने वाली है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, यस सो। इन सबको भूल जाओ, ये सब हमारे कोई काम का नहीं। देखो यार, मैंने कहा कि सपोज ये कोई एक मीडियम है, मतलब मैंने सपोज कोई एक ग्लास स्लैब ले लिया, कोई भी एक मीडियम मानो। अगर ये कोई एक मीडियम है और मैं इस पे लाइट रे फॉल डाउन करा रहा हूँ, तो ये लाइट रे हमारे कहलाती है इंसिडेंट रे, जो हमेशा सरफेस पे फॉल डाउन करेगी। ये इंसिडेंट रे है। मैं एक यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो हमारी कहलाएगी नॉर्मल। ये नॉर्मल क्यों कहलाती है? क्योंकि ये हमेशा कितना एंगल बनाएगी सरफेस पे? 90 डिग्री का एंगल। वेरी गुड। अब देखो, अगर हमारे सरफेस पे कोई भी लाइट रे फॉल डाउन करती है, तो उस लाइट रे के साथ क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है इस लाइट रे के साथ? भैया कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। आई रिपीट, कुछ पार्ट, मैंने पूरी की पूरी लाइट रे नहीं बोला, कुछ पार्ट ऑफ द लाइट रे इस सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाएगी। और जो लाइट रे बाउंस बैक करती है, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, रिफ्लेक्शन। वेरी रिफ्लेक्शन। गुड। वेरी सेकंड फिनोमिनन क्या है कि कुछ पार्ट लाइट रे का दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करने लग जाएगा, दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये मीडियम डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि ऊपर तो मैंने एयर ली है, और मैंने कहा था अब चाहे आप कोई और मीडियम क्यों ना ले लो, ये हमेशा एयर से डेंसर ही होगा। तो इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो स्लो जाएगी, तो ये टूवर्ड्स द स्लो। नॉर्मल बेंड करेगा। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे जो दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफर हो गया? रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का दूसरा नाम होता है ट्रांसमिशन। तो इस लाइट रे को हम कभी कभी ट्रांसमिटेड रे भी कहेंगे, ट्रांसमिटेड रे। तो इसको मैं टी से डिनोट कर देता हूं, आप समझ जाना, टी का मतलब मैंने लिखना चाहा है ट्रांसमिटेड रे। एक तीसरा फिनोमिनन भी होगा, क्या किसी को आइडिया क्या होगा तीसरा फिनोमिनन? सर रेयरफैक्शन। रेयर फैक्शन तो अलग ही चीज है, वो तो वेव का एक कॉन्सेप्ट है। कुछ पार्ट हमारी लाइट रे का ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप थोड़ी देर सन में निकलते हो, धूप में निकलते हो, तो आपको गर्मी लगती है या नहीं लगती? लगती वो क्यों हो रही है? बिकॉज आपकी बॉडी सन रेज को क्या कर रही है? है एब्जॉर्ब कर एब्जॉर्ब रही है। तो ये हमारा तीसरा फिनोमिनन होगा, एब्जॉर्प्शन। तो हमें क्या करना है, एक एक करके इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। अब छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भाई मैंने कहा ये लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, तो मतलब ये एक वेव है। वेव से रिलेटेड मैंने अभी आपको कुछ टर्म्स बताए कि यार कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और ये लाइट रे अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी करके चल रही होगी, क्योंकि वेव का काम होता है एनर्जी कैरी करके ट्रांसफर करना। तो कुछ ना कुछ ओके। एनर्जी होगी, तो उसको हमने लिखा है आई। आई का मतलब इंटेंसिटी। तो आप मेरे को ये बताओ, रिफ्लेक्शन में ये चारों के चारों टर्म्स के साथ क्या क्या होगा? क्या ये चारों टर्म सेम रहेंगे या चेंज होंगे? और चेंज होगा तो कौन सा टर्म चेंज होगा? एक एक करके डिस्कस करो। चलो सबसे पहले स्पीड के बारे में बताओ कि लाइट की स्पीड सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि वेव की वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मीडियम मीडियम पे। इधर मीडियम मीडियम कौन सा है? सॉरी, इधर मीडियम कौन सा है? एयर। इधर मीडियम कौन सा है? ग्लास। एयर। सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक करने को रिफ्लेक्शन कहते हैं, कि लाइट रे वापस अपने मीडियम में चले जाए। तो एयर में ही है, तो स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड सेम रहेगी। क्या सबको ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो देखो, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि यार सपोज ये इंसिडेंट रे एक बल्ब से आ रही है, अब चाहे लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाए चाहे लाइट रे ट्रांसमिट कर जाए, भैया सोर्स तो अल्टीमेटली सेम ही है, तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी नो सर।
फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब आते हैं वेवलेंथ पे, तो यार मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, स्पीड चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। वेरी गुड, वेवलेंथ सेम रहेगी, तभी तो सब कुछ टर्म सेम रहेंगे, तो वेवलेंथ विल रिमेन सेम। अब आ जाते हैं इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में सोचो, इंटेंसिटी के बारे में क्या हो रहा होगा, लाइट की एनर्जी के साथ क्या हो रहा होगा, कम ज्यादा या सेम? सेम सर, ज्यादा कम। देखो इधर कम हो जाएगी, कम। सोचो क्यों यार, मैंने आपको एक लाइट रे दी और मैंने कहा इस लाइट रे को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अपने अपने हिसाब से यूज कर लो, कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन ने यूज किया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन ने, कुछ पार्ट एब्जॉर्प्शन ने, तो मतलब मेरी एक एनर्जी तीन कामों में यूटिलाइज हो रही है। अगर एक एनर्जी तीन कामों में यूटिलाइज हो रही है तो यहाँ पे आपको सेम एनर्जी या ज्यादा एनर्जी कैसे मिल सकती है, यहाँ पे तो एनर्जी डिवाइड हो गई ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब रिफ्रैक्शन के लिए सोचो, इन चारों टर्म्स में के लिए क्या क्या होगा, रिफ्रैक्शन के लिए सोचो। ओके सर, एक एक करके पूछूंगा, आप इतने नोट डाउन करके देख लो। यस सर। Redmi 8A Dual, यार अपने नाम से लॉगिन किया करो। आकाश कोई दिक्कत? No sir. Okay. Kausar? चलो तो आओ भाई डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टेड रे के लिए। यार सबसे पहले स्पीड की बात करूंगा, तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया ये स्टार्टिंग में ही कि अगर हम लाइट रे को किसी भी एक मीडियम में ट्रांसफर करा रहे हैं, ट्रांसमिट करा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डेंसर होगा एयर से, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो स्पीड हो गई रिड्यूस्ड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली, सोर्स तो अभी भी हमारा इंसिडेंट रे ही है। अब सोचो यार स्पीड रिड्यूस हुई है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ा होगा, बढ़ जाएगी। यार अगर वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है, तो स्पीड तो बढ़ जानी चाहिए ना। यस सर। रिपीट, मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं पूछ लो वापस से। देखो मैंने इतना पता कर लिया कि स्पीड रिड्यूस हुई है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो स्पीड को रिड्यूस कौन से फैक्टर ने कराया होगा, फ्रीक्वेंसी तो नहीं कराया क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रही है, तो फिर कौन सा फैक्टर है भैया जिसने स्पीड रिड्यूस करा दी, तो फिर हमारा कौन सा फैक्टर बचा बस जिसने स्पीड रिड्यूस कराई होगी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ रिड्यूस हुई होगी इसलिए स्पीड रिड्यूस हुई होगी। अब क्लियर है ये वाली बात? यस सर। चलो बढ़िया, अब इंटेंसिटी के बारे में बता दो। डिक्रीज। वेरी गुड, कि भैया तीन कामों में यूटिलाइज हुई है तो इंटेंसिटी तो रिड्यूस होगी। अब इसमें मैं आपको क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ भैया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल हमारा कहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल होगा, ये हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलो इस डायग्राम को नोट अगर हो जाए तो बता दो, स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। चलो डन डन आ जाओ, तो भैया स्टार्ट कर लो रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन यार हमने देख लिया, रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। अब दो लॉज होते हैं, क्या दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के? सबसे पहला लॉ आपको पता ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया। सेकेंड लॉ कि भैया हमारी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये बताओ ये सेकंड वाले पॉइंट का मतलब क्या है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, क्या मतलब होता है इसका?
सर मतलब ये एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, सो मतलब पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल, तो अब मैं दोनों पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, देखते जाओ भाई। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझो यार। सपोज मैंने कहा कि ये कोई एक प्लेन मिरर है और इस पे लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है। ध्यान देना क्वेश्चन पे कि लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है। तो आप मेरे को ये बताओ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है तनिष्का, आप कितना कह रहे हो? सर 90। तो चलो, तो मतलब आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या थी? एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन मैंने बताया कि एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। क्या मैंने ये बोला एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस? नहीं, मैंने बोला एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो यार अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होती है, तो नॉर्मल और मेरे को बताओ इंसिडेंट रे के बीच में आपको कितना एंगल दिखाई दे रहा है? जीरो। 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 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसलिए ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, हम कहेंगे कि भैया लाइट रे ने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया है। तो लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कब करेगी? जब भी वो मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब ये फर्स्ट पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट समझा रहा हूँ कि ये दोनों सेम प्लेन में होने का मतलब क्या है। आप थोड़ा इसके डिटेलिंग भी समझना यार। प्लेन का मतलब क्या होता है? मतलब टू डायमेंशंस। तो ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई। तो अब मैं कुछ भी इसके बीच में ड्रॉ करूं तो ये हमारा कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। कुछ भी मैं अगर एक्स और वाई के बीच में ड्रॉ करूं, तो यार मैंने कहा कि ये एक इंसिडेंट रे है। तो आपको साफ दिख रहा है कि इंसिडेंट रे कौन से प्लेन में लाई कर रही है? इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। तो यार हमारा जो नॉर्मल होगा और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी उसको भी सेम प्लेन में ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंसिडेंट रे को एक्स वाई में बना रहे हो इस तरीके से और फिर रिफ्लेक्टेड को आप इधर बना रहे हो एक्स जेड में, ऐसा नहीं होगा। दोनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे, एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन। लेकिन अब इससे एक इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूजन भी पता चल रहा है। क्या कॉन्क्लूजन पता चल रहा है? ध्यान दो यार, अगर आप इंसिडेंट रे को देखो, इंसिडेंट रे मेरे दो एक्सिस एक साथ ट्रेवल कर रही है। वो इधर x एक्सिस में भी जा रही है, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, और वो नीचे y एक्सिस में भी जा रही है। मैंने इंसिडेंट रे को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक x डायरेक्शन में भी जा रही है और एक y डायरेक्शन में भी जा रही है। सिमिलरली नॉर्मल, नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में है? x में, y में, किस में? x y। अरे नॉर्मल बिल्कुल सीधा है, ये तो y डायरेक्शन में होगा ना भाई, हॉरिजॉन्टल। ये डायरेक्शन होती है एक्स, ये डायरेक्शन होती है वाई। तो मेरा नॉर्मल वाई डायरेक्शन में है। अब आप रिफ्लेक्टेड रे को चेक करो, रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे को भी अगर मैं स्प्लिट करूं तो एक डायरेक्शन आएगी एक्स और एक डायरेक्शन क्या आएगी? वाई। आप एक चीज नोटिस करो, जो मेरा एक्स कंपोनेंट है, ध्यान दो, एक्स कंपोनेंट मेरा पैरेलल टू द मिरर आ रहा है, पैरेलल टू द मिरर। तो याद रखो ये जो मेरा x कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट रिमेंस कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं y कंपोनेंट देखूं, y कंपोनेंट का मतलब है परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो परपेंडिकुलर टू द मिरर वाला कंपोनेंट सेम आ रहा है या चेंज हो रहा है? तो आप देखो पहले नीचे चल रही थी बात और अब कहां जा रहा है y कंपोनेंट? ऊपर की तरफ। तो याद रखना ये हमारा चेंज हो जाता है। और रिफ्लेक्शन के अंदर ये कितने एंगल से चेंज हो जाता है? 180 डिग्री से, मतलब डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती है। सर ये वाई वाला एक बार समझाना। वाई वाला दोबारा, यार देखो मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूँ कि लाइट रे किसी एक स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ये मैंने स्पीड ड्रॉ कर दी कि लाइट रे भैया किसी एक स्पीड से ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। तो यार स्पीड या मतलब वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे हमने मोशन इन टू डायमेंशन में पढ़ा है, इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी तो कुछ ना कुछ वो ऐसे बन जाएगी। अगर लाइट रे ने रिफ्लेक्ट किया है तो आप देखो अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके कौन से दो कंपोनेंट्स आएंगे? तो इसके भी एक्स कंपोनेंट आ रहे हैं और वाई कंपोनेंट आ रहे हैं। क्या एक्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी? नहीं,
ये पहले भी राइट में था, अभी भी राइट में है, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। किसकी वैल्यू, किसकी डायरेक्शन चेंज होती है? याद रखो, उस कंपोनेंट की डायरेक्शन और उस कंपोनेंट की वैल्यू चेंज होती है जो मिरर के परपेंडिकुलर है, मिरर के परपेंडिकुलर। या फिर दूसरा तरीका कह सकते हो कि जो नॉर्मल के अलोंग है, क्योंकि नॉर्मल भी वाई के डायरेक्शन में था। यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। डन। यस सर। बढ़िया बढ़िया सर। प्रीवियस स्लाइड कर दी मन्नत? बिल्कुल। यस सर। डन डन। तो एक सिंपल सादा सा क्वेश्चन ट्राई करो यार। ये मैंने ड्रॉ कर दिया प्लेन मिरर, और ये मैंने ड्रॉ कर दी कोई भी एक इंसिडेंट रे, कि ये इंसिडेंट रे है और ये सरफेस से फॉल डाउन कर रही है एट एन एंगल ऑफ, कितना ले ले ये एंगल, सपोज ये एंगल ले लो 60 डिग्री। आपको क्या क्या बताना है? आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, और आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। डेविएशन का मतलब कि लाइट रे ने कितने एंगल से अपना पाथ चेंज किया है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ आई और आर बता दो, डेविएशन ट्राई कर लो जितना आपको समझ में आए, बाकी फिर मैं भाई। वेरी गुड। हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। एक नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हम देख लेंगे कि भैया नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया हमारे पास? 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा? 30 डिग्री। बिल्कुल सही। अब एंगल ऑफ डेविएशन को चेक करो, जिसके माइंड में जो आता है। ओके आकाश। डन। चलो चेक करते हैं यार। मैंने बोला एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि लाइट ने कितने एंगल से अपना पाथ चेंज किया है। ठीक है, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट रे सीधा जाती, लाइट रे के पाथ में कोई चेंजेस नहीं आते, लाइट रे ऐसा सीधा जाती है। लेकिन प्लेन मिरर की वजह से लाइट रे सीधा नहीं जा पाई, वो रिफ्लेक्ट कर गई, तो मतलब हमारा ये वाला एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। कि भैया लाइट रे सीधा जाना चाह रही थी लेकिन वो इतने एंगल से डेविएट हुई है प्लेन मिरर की वजह से। तो अब बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना लिखूं? ये एंगल कितना आएगा? 120। वेरी गुड, 120। कैसे आया 120? भैया पूरी एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180 में से मैंने 60 माइनस कर दिया। तो याद रखो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने का अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। क्या फॉर्मूला? डायरेक्टली हमेशा 180 माइनस 2i कर दो। क्यों 2i कर दो? क्योंकि एंगल i और एंगल r बराबर होंगे, तो इन दोनों को 2 टाइम्स लिख सकता हूं और 180 में से सबट्रैक्ट करना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, डायरेक्टली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे प्रीवियस केस में, इस वाले केस में बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना लिखूं मैं इस वाले केस में? 180। वेरी गुड। आपको साफ दिख रहा है कि पहले लाइट रे नीचे जा रही थी, मतलब टुवर्ड्स साउथ, अब वो ऊपर जा रही है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो भैया इसमें तो वैसे भी 180 डिग्री का डेविएशन आ गया, साफ दिख रहा है। और आप चाहते तो कैलकुलेट कर सकते थे 180 माइनस 2i, i की वैल्यू 0, तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। यस सर। यहां तक बिल्कुल कंप्लीट? यस सर। भैया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं इसी के बेसिस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, टेंशन नहीं लेना है यार। ये हमने दो पैरेलल प्लेन मिरर्स लिए, ये हमारे पास मिरर M1, ये हमारे पास मिरर M2। हमने कहा कि कोई एक लाइट रे है जो बिल्कुल मिरर के एज पे फॉल डाउन कर रही है, ये लाइट रे बिल्कुल मिरर के एज पे फॉल डाउन कर रही है, फिर ये इस तरीके से जाएगी, फिर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती रहेगी करती रहेगी। हमें ये वाला एंगल गिवन है कि यार ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोला हुआ है? ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें बोला हुआ है 30 डिग्री। हमें दो प्लेन मिरर्स के बीच का गैप गिवन है 0.2 मीटर्स। हमें इन दो प्लेन मिरर्स की लेंथ गिवन है कि इन दो प्लेन मिरर्स की लेंथ कितनी है? 2√3 मीटर्स। भैया क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करती रहेगी,
तो टोटल कितने रिफ्लेक्शन करेगी ये मिरर्स के बीच में, हाउ मेनी रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे विल सफर, और उसके बाद फिर ये बाहर निकल जाएगी। चेक करो पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। सर रिपीट कर दो। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं, इस तरीके से चलता रहेगा भाई। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स लिए, लाइट रे इस प्लेन मिरर के एज पे फॉल डाउन कर रही है, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट रे ऊपर गई फिर मिरर M2 से टकराई वापस रिफ्लेक्ट करेगी, फिर मिरर M1 से टकराई फिर वापस रिफ्लेक्ट करती रहेगी, इस तरीके से रिफ्लेक्शन चलते रहेंगे। तो हमें बताना है कि कितने रिफ्लेक्शंस कंप्लीट होंगे इस दो प्लेन मिरर्स के बीच में, उसके बाद लाइट रे बाहर आ जाएगी। तो बाहर आने से पहले कितने रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। डन। मिरर की लेंथ गिवन है, मिरर के बीच का गैप गिवन है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। तो एक बार ट्राई कर लो कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा एनालाइज करना है बस। दीक्षा नहीं, दीक्षा ये डायग्राम तो बस ऐसे मैंने सिंपलीफिकेशन ये ड्रॉ किया है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है। मतलब क्या पता इससे कम रिफ्लेक्शंस हो, क्या पता इससे ज्यादा रिफ्लेक्शंस हो, ये तो बस अब मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। थोड़ा सा एक मिनट और लो, सोचो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो आओ अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बस जनरल मैथमेटिक्स टाइप ही कह लो भाई। मैंने कहा कि सपोज ये जो पूरी लेंथ है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि सपोज ये पूरी लेंथ 10 मीटर्स की है, अज्यूम कर लो, और मैंने कहा कि इसमें एक पार्ट, मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे इक्वल पार्ट्स बना दिए लेकिन एक पार्ट जो है वो 2 मीटर्स का है, तो मेरे को बताओ टोटल कितने पार्ट्स निकल सकते हैं 10 मीटर की वायर में से? 5। तो आपने कैसे निकाला ये आंसर 5? So 10 से 2 को डिवाइड किया। वेरी गुड। तो अगर मैं टोटल लेंथ मेरे को पता है और मेरे को एक पार्ट की लेंथ पता है, तो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एक पार्ट की लेंथ, तो ऐसे मेरे को पता चल जाएगा कि टोटल कितने लेंथ आ जाएंगे, ये टोटल कितने पार्ट्स आ जाएंगे, ये 5 पार्ट्स आ जाएंगे। तो बस यही लॉजिक इधर भी लगाना है, यही सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाना है। आप किसी तरीके से ये पता करने की कोशिश करो कि यार एक रिफ्लेक्शन में लाइट रे कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक रिफ्लेक्शन में लाइट रे कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब कुछ इतने पार्ट की लेंथ फाइंड करने की कोशिश करो। तो इतनी लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आपको ये एंगल 30 डिग्री पता है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सोचो आपको ये ब्लू कलर की लाइन की लेंथ पता है 0.2, आपको ये रेड कलर लाइन का लेंथ निकालना है। वेरी गुड, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो भैया हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको x लिख लेता हूं फिलहाल, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो भैया आप x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। tan 30 डिग्री कितना होता है? और अभी आप लोगों ने खुद ही बताया कि कितने पार्ट्स आ रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, अब आंसर बता दो। तो आप क्या करोगे, टोटल लेंथ कितनी गिवन है आपको? 2√3, और आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे? 0.2 डिवाइडेड बाय रूट थ्री से। सॉल्व करना आपका काम है, सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। चलो यस।
वेरी गुड, सर 30 डिग्री। 30 रिफ्लेक्शंस आएंगे डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो मतलब आपको भी बेसिक चीजें आ गई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आ जाओ भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया हमारे पास इमेजेस कितने टाइप की होती हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। कितने टाइप की इमेजेस होती है हमारे पास? हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो। रियल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रियल एंड इनवर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट में डिफरेंस क्या है, चीजों को समझो भैया। वैसे तो काफी लोगों को पता ही होगा, बस फिर भी समझा रहा हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना आए, बस इसलिए बेसिक बेसिक चीजों को भी पढ़ के चलेंगे। वर्चुअल एंड इरेक्ट, यार अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे लाइट रे कुछ इस तरीके से फॉल डाउन कर रही है, ये हो गई हमारी एक लाइट रे। तो हमें पता है अगर ये एक लाइट रे है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो फिर ये लाइट रे नीचे की तरफ बेंड करेगी और ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे R1। सिमिलरली अगर मैं दूसरी लाइट रे लूं कुछ इस तरीके से, तो मैं फिर से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। अब की बार लाइट रे किधर बेंड करेगी? अब की बार लाइट रे ऊपर की तरफ बेंड करेगी तो ये हो जाएगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे R2। तो रिफ्लेक्टेड रे, ये जो दोनों R1 और R2 है, ये मिरर के सामने इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये मिरर के सामने इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने कुछ इमेजिनरी ड्रॉ नहीं किया। तो जब भी हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द मिरर इंटरसेक्शन होगा तो हमारे पास किस टाइप की इमेज मिलेगी? रियल एंड इनवर्टेड मिलेगी। रियल एंड इनवर्टेड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पहला पॉइंट कि हमेशा इंटरसेक्शन इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्क्रीन, कोई एक कार्डबोर्ड लगा दूं तो भैया मुझे इस कार्डबोर्ड के ऊपर ये इमेज मिलेगी, मतलब दिस इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। जैसे अगर मैं मूवी थिएटर्स की बात करूं, मूवी थिएटर्स में प्रोजेक्टर की जो रिफ्लेक्शन है वो हमें एक स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो जो हम मूवी देखने जा रहे हैं वो एक रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल है, रियल। हमें एक स्क्रीन पे मिल रही है पिक्चर, अगर हमें एक स्क्रीन पे पिक्चर मिल रही है तो वो रियल इमेज है। डन। अब आ जाओ वर्चुअल पे। यार किसी को रियल में कोई डाउट तो नहीं है या रिपीट करना है? नो सर। डन। अब यार मैंने कहा कि ये हमारा प्लेन मिरर है और यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट सोर्स ऐसे रखा हुआ है, तो यार इससे लाइट रेज कुछ इस तरीके से निकलेगी। अगर लाइट रे इस तरीके से निकल रही है तो आप बताओ रिफ्लेक्टेड रेज किधर जाएगी? तो यार नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रेज मेरी किधर जाएगी? मेरी रिफ्लेक्टेड रेज नीचे आएगी एक, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऊपर जाएगी। अब आप मेरे को ये सोच के बताओ R1 और R2 क्या मिरर के सामने कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगी? नो सर। बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का गैप बढ़ते जा रहा है। अगर दोनों का गैप बढ़ते जा रहा है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करके देखेंगे इनको एक्सटेंड, इमेजिनरी एक्सटेंड करेंगे। इमेजिनरी है इसलिए डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं चेक करूंगा, क्या पता यार ये बिहाइंड द मिरर कहीं इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट पे। तो मैंने देखा यस, ये बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज मिलेगी। तो लेकिन ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? तो आप उसको स्क्रीन के ऊपर लेके आ ही नहीं सकते, तो इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं हो सकती। वैसे इसको रियल एंड इनवर्टेड मत लिखो, इसको रियल इमेजेस लिखो, इसको वर्चुअल इमेजेस लिखो। सो डन। डन। चलो yes, तो आओ स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक भाई, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप खुद ही बता दो
कि आपको प्लेन मिरर्स की इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज याद है। जैसे ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया, किसी का माइक अनम्यूट पे है, म्यूट करो, मेरे को मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है भाई। तो ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया, मैंने कहा इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मेन हमारे घर पे भी प्लेन मिरर्स ही होता है। इस प्लेन मिरर के सामने मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया ए बी, हाइट एच ओ, तो मेरे को बताओ आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज याद है। रुचि का प्रीवियस स्लाइड, ये लो प्रीवियस स्लाइड। Angle of reflection is equal to the angle of in. वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इमेज की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि इसकी कुछ इमेज बनेगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। वेरी गुड। कि भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी जो चार पांच जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि यार जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब जैसे अगर मैं मिरर के सामने सीधा खड़ा हूँ, हेड अप लेग्स डाउन, तो इमेज भी ऐसी मिलेगी कि भैया हेड ऊपर ही आएगा, लेग्स डाउन ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं उल्टा दिखाई दूंगा उसमें। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब कि भैया मैं अपनी इमेज सिर्फ मिरर के अंदर ही देख सकता हूँ। अगर मैं आगे यहाँ पे कोई एक पेपर रख दूं या कोई स्क्रीन रख दूं तो मैं अपने आप को उस पर नहीं देख पाऊंगा। आई कैन सी ओनली इन मिरर। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो भी किसी ने बोला कि भैया ऑब्जेक्ट का जो साइज है, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट और जो हाइट ऑफ दी इमेज है वो हमेशा सेम आएगी, ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज, दोनों की हाइट हमेशा सेम आएगी। और कोई पॉइंट? वेरी गुड यार, वेरी गुड। कि जितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और जितनी दूर हमारी इमेज बन रही है इसको हम डिनोट करेंगे v से। तो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कैसे आएंगे, सेम आएंगे। अगर मैं मीटर अपने इस प्लेन मिरर से 2 feet के डिस्टेंस पे खड़ा हूं तो इमेज भी मेरी 2 feet के डिस्टेंस पे ही बनेगी। और कोई पॉइंट याद दिलाओ, थोड़े से और कोई पॉइंट्स भी हैं सर? लेटरली इनवर्टेड इमेज। वेरी गुड मुस्कान। लेटरली इनवर्टेड, लेटरली इनवर्टेड का मतलब क्या होता है कि भैया अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ये सपोज अल्फाबेट पी देख रहा हूं मैं मिरर में, तो मेरे को ये इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। पहले ये चार पॉइंट्स चेक करो, इन चार पॉइंट्स में तो कोई डाउट नहीं है, फिर आप कुछ नए पॉइंट्स पढ़ेंगे। नो सर। चलो डन। तो आओ भैया अब जो हमारे मेन काम के पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिफ्थ पॉइंट, यार आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये दोनों हमेशा सेम होंगे। क्या कर दो, इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो इधर मैं लिखूंगा कि भैया ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। मतलब कि अगर ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज मूव कर रहा है, सपोज कितनी वेलोसिटी से, मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मेरे को बताओ इमेज भी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करेगी। लेकिन इमेज कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट, तो इमेज कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? लेफ्ट। वेरी गुड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर ये मेरा मिरर है और ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड मूव कर रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लोजर आ रहा है मिरर के, तो इमेज को भी कहाँ आना पड़ेगा? मिरर के क्लोजर आना पड़ेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ट्रेवल कर रहा है, मतलब राइट हैंड साइड ट्रेवल कर रहा है, तो इमेज को कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए यहाँ पे हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि दोनों की डायरेक्शन हमेशा एग्जैक्टली अपोजिट हो। लेकिन मैंने आपको अभी एक और पॉइंट भी समझाया था, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब पहले, उससे पहले याद रखो, इधर मेरा क्या मिरर मूव कर रहा है? No, sir. तो मिरर की वेलोसिटी आपने कितनी ली हुई है अभी?
आपने मिरर की वेलोसिटी अभी जीरो ली हुई है, लेकिन याद रखना ये हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर होता है, ये इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द मिरर होता है। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी किसके हिसाब से मेजर किया है, मिरर के रिस्पेक्ट में मेजर किया है। इसलिए भैया आपको मोशन इन टू डायमेंशन में मैंने ही पढ़ाया है, क्या इसका एक्सपैंड फॉर्म लिख सकते हो आप? VOM का फॉर्मूला क्या होगा? भूल गए VOM, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस VIM का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसमें सबका साइन कन्वेंशन यूज करोगे, जैसे इमेज मूव कर रही है लेफ्ट हैंड साइड तो आप इधर वी आई को नेगेटिव में लिखोगे क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, तो जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी वो साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकाल लेना। यस डन। तो इसी के बेसिस पे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, पहले आप वो ट्राई करना, ठीक है? चलो डन डन डन। चलो भैया तो पहले फिफ्थ पॉइंट पे ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं। भैया मैंने कहा ये एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा, तो VM की वैल्यू जीरो। यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट किसी एक एंगल पे मूव कर रहा है। इस एंगल को मैंने ले लिया 37 डिग्री और इस वेलोसिटी को मैंने ले लिया 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या बताना है, आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। चलो लगो काम पे, देखते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। सो -20। नहीं, गलत। आराम से सोचो, कराए कैलकुलेट करो। इतना बता देता हूं बस, 20 तो आंसर नहीं है। ट्राई टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, आई कैप जे कैप, ट्राई टू राइट इन वेक्टर फॉर्म। या एक काम और कर लेता हूं मैं, ताकि आपको क्वेश्चन एक बारी में पूरा अच्छे से समझा सकूं, मैं थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं भाई, देख लो एक बार, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बस मैं। इस वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी को आप ले लो कि मिरर भी मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 10। चलो ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं, चेक करना आप भी क्या यही अप्रोच लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे क्योंकि ये किसी एक एंगल पे मूव कर रहा है। तो मेरे को बताओ इस एक्स वाले की वैल्यू कितनी होगी और इस वाई वाले की वैल्यू कितनी होगी, वी एक्स एंड वी वाई निकाल के बताओ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वी एक्स की वैल्यू 20 और जिसके साथ एंगल बनता है वो वाला टर्म कौन सा होता है, कॉस। वेरी गुड, कॉस 37। भाई 20 cos 37 की वैल्यू आप लोग बताओगे, देखते हैं कितना याद है, और एक हो जाएगी 20 sin 37, sin 37 और cos 37 की वैल्यू बताओ। चलो cos 37 3/5, cos 37 तो याद रखो यार, cos 37 4/5 होता है और sin 37, साइन 37 हमारा 3/5 होता है। भाई वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें मत दिखाओ लीनियंसी। मैं फिर से ट्राइंगल मेथड याद दिला देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे 3, 4, 5, 3 के अपोजिट होगा 37, 4 के अपोजिट होगा 53, तो कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/5।
तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 16 मीटर पर सेकेंड, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड। पहले सब लोग यहाँ तक चेक करके देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। बढ़िया, अब वापस अपने फर्स्ट स्लाइड पे आओ जो मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट स्लाइड, मेरे को बताओ कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है और कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। तो अब x और y मत कहो, x और y में कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। हमेशा ये याद रखो, पैरेलल टू द मिरर कांस्टेंट रहता है, परपेंडिकुलर टू द मिरर चेंज होता है, इस तरीके से याद रखना हमेशा। तो अब मेरे को बताओ इन दोनों में से देख के कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर है, 12 वाला या 16 वाला। भैया 12 वाला तो मिरर के पैरेलल चल रहा है, ये मिरर है तो 12 वाला तो मिरर के बिल्कुल पैरेलल है, तो याद रखो 12 वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसको अभी फिलहाल साइड में रख दो कि भैया ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज कौन सी वैल्यू होगी, 16 वाली, क्योंकि 16 वाली वैल्यू मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रही है, तो हम सिर्फ उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, 12 वाले के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला था VO माइनस VM माइनस ऑफ VI माइनस VM। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, VO की वैल्यू प्लस 16 क्योंकि राइट हैंड साइड ट्रैवल कर रहा है, VM की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ट्रैवल कर रहा है तो माइनस 10, माइनस VI की वैल्यू फाइंड करनी है, VM की वैल्यू फिर से माइनस 10। तो प्लीज अब आप सॉल्व करके मेरे को इसमें से VI की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। कैलकुलेशन अब आपका काम। माइनस 16 तो यार ये हो जाएगा 16 प्लस 10 26, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10, माइनस 10 वहां पे गया तो हमारे पास VI की वैल्यू आएगी माइनस 36। चेक करो सबका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। डन। अब ये वेलोसिटी मैंने अपने x कंपोनेंट के लिए निकाली है, y कंपोनेंट मैंने कहा वो चेंज नहीं होता, तो बस आपका फाइनल आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस 36, ये x डायरेक्शन के लिए था तो i कैप, और 12 वाली वैल्यू चेंज नहीं होती तो 12 j कैप ऊपर की तरफ है तो प्लस 12 j कैप। चेक करो आपको ये फाइनल आंसर समझ में आया या नहीं, कुछ रिपीट करना है तो प्लीज पूछ लो। चलो बढ़िया, तो सब लोग कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को। आकाश चेक करके बताओ, आयुषी चेक करो समझ में आ गया पूरा। यस सर। चलो बढ़ चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ अ पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं अपनी एक पूरी इमेज, वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन द मिरर, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज, बताओ कितनी होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई। 25 सेंटीमीटर। नहीं, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज, याद रखो भैया एल आएगा एच बाई टू के बराबर, जहां पे एच होगा हाइट ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरी हाइट, कुछ मीटर्स में कह रहा हूँ मैं कि मेरी हाइट 1.5, या ऐसा कर लो मेरी हाइट ले लो 2 मीटर्स, जस्ट सिंपलीफिकेशन के लिए, कि अगर मेरी हाइट 2 मीटर्स है तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मतलब मिनिमम मिरर कितना बड़ा होना चाहिए जिसमें मैं अपनी पूरी इमेज देख सकूं, 1 मीटर, उसका हाफ होना चाहिए। प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे ये चीज हुई। भैया पहली क्लास में डल रिस्पांस मत देना नहीं तो मार खाओगे। मैंने कहा ये हमारा मिरर है, ये हमारा पर्सन है,
भैया पर्सन पूरी इमेज देखना चाहता है, तो एक लाइट रे पर्सन के हेड से निकलेगी और मिरर के बिल्कुल एज पे फॉल करेगी। मिरर के बिल्कुल एज पे फॉल क्यों करेगी? क्योंकि मैं मिरर की मिनिमम लेंथ निकालना चाहता हूँ। तो मैं अज्यूम करूंगा कि भैया लाइट रे बिल्कुल मिरर के एज पे फॉल डाउन कर रही है। ये रिफ्लेक्ट करेगी और एंटर करेगी पर्सन के आई में, क्योंकि भैया हम आंखों से देख रहे हैं तो आंखों में लाइट रेज एंटर करनी चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी वही होगा कि फीट से बॉटम पॉइंट से लाइट रे आएगी और ये रिफ्लेक्ट करके पर्सन के आईज में एंटर कर जानी चाहिए। अब आप देखो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो भैया मैंने देखा रिफ्लेक्शन एक यहाँ हो रहा है, तो भैया मैं कह सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। एक रिफ्लेक्शन नीचे हो रहा है तो यहाँ पे भी मार्क कर दूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस एक काम कर लो कि इस नॉर्मल को एक्सटेंड कर दो। अब देखो हमारा ये कैलकुलेशन हो गया सिंपल। भाई मैथ्स का रूल, अगर मैं इस साइड को एक्स मान रहा हूँ तो नीचे वाली साइड भी एक्स होगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। आई के अपोजिट अगर एक्स है तो आर के अपोजिट भी एक्स होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं इसको वाई मान रहा हूं तो नीचे भी वाई होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आई के अपोजिट वाई है तो आर के अपोजिट भी वाई होना चाहिए। तो मेरे को बताओ टोटल हाइट ऑफ द पर्सन कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ ये टोटल हाइट कितनी आ रही है पर्सन की। 2x + 2y। अब आप चेक करो मिरर कितना बड़ा आ रहा है। मिरर तो सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हमारा नॉर्मल के बीच में आ रहा था। मिरर इतना ही बड़ा है तो मिरर की लेंथ कितनी आ रही है, x plus y, मतलब हाइट का हाफ। कॉन्सेप्ट खत्म, हाइट का हाफ। डन। चलो बहुत बढ़िया, आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। If a person wants to see full image of a wall behind him, एक मिनट रुको, गायत्री प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट बस ये पॉइंट लिख लेता हूं फिर गायत्री प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूं। बिहाइंड हिम देन मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज, एल इक्वल्स टू एच बाय 3, जहां पे एच होगी हाइट ऑफ द वॉल। एक मिनट, सब आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, पहले गायत्री को प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ। लो गायत्री यहां तक चेक कर लो, लिख लो पहले आप, जब हो जाए बता देना फिर नेक्स्ट स्लाइड शो करूंगा। ओके डन। चलो ये लो भाई ये सब इस पॉइंट को लिख लो, इतने में डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं और आपको समझा देता हूं। भैया कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ये हमारे पास सपोज एक प्लेन मिरर है, बीच में खड़ा है पर्सन और पर्सन के बैक साइड वॉल है। जैसे मेरे बैक साइड ये वॉल है, अगर मैं इस पूरी वॉल की इमेज चाहता हूं मिरर में देखना ताकि ये पूरी वॉल दिखाई दे, तो मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो देखो कॉन्सेप्ट अभी भी वही लगेगा कि अगर मैं वॉल की पूरी इमेज देखना चाहता हूं तो एक लाइट रे वॉल के टॉप से आएगी, मिरर के एज पे फॉल डाउन करेगी और फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर एंटर कर जानी चाहिए। अरे भाई कहां से देखेंगे हम, पर्सन की आईज में। फिर सिमिलरली यही चीज नीचे कि लाइट रे वॉल से बॉटम पॉइंट से रिफ्लेक्ट आनी चाहिए, मिरर पे फॉल डाउन करी और फिर पर्सन के आईज में एंटर कर गई। बस इससे ज्यादा हम डिटेलिंग अभी नहीं कर रहे हैं। तो याद रखो भाई मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड कितनी है, h बाय 3, जहां पे h अब की बार हाइट की वॉल है तो उसका 1/3 लेंथ होनी चाहिए। लेकिन इस फॉर्मूले में, इस वैल्यू में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि पर्सन एग्जैक्टली बीच में खड़ा होना चाहिए, मतलब वॉल से पर्सन का डिस्टेंस और पर्सन से मिरर का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होने चाहिए तो ही ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज ये कंडीशन फिर वैलिड नहीं होगी।
और टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे एग्जाम में यही कंडीशन लेके आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई कंडीशन लेके नहीं आएगा। डन। अब जैसे इस पे मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बेसिक क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है चेक करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया इधर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर की कुछ ना कुछ लेंथ ले लेता हूं सपोज 1.5 मीटर, यहां पे एक पर्सन खड़ा है और यहां पे एक इंसेक्ट है जो क्रॉल कर रहा है, एक इंसेक्ट है जो क्रॉल कर रहा है, आपको बताना है कि ये इंसेक्ट मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक हमें क्रॉल करता हुआ इस मिरर में दिखाई देगा, उससे ज्यादा अगर ये डिस्टेंस क्रॉल कर रहा है तो फिर ये इंसेक्ट मेरे को मिरर में दिखाई नहीं देगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट, मैंने कहा प्लेन मिरर लेंथ 1.5 मीटर, बीच में पर्सन और यहाँ पे इंसेक्ट, इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है तो मेरे को बताना है कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक क्रॉल करता हुआ ये इंसेक्ट मेरे को मिरर में दिखाई देगा, उसके बाद अगर ये क्रॉल कर रहा है तो फिर ये मेरे को मिरर में दिखाई नहीं देगा। अरे मेरे को तो लगा आप क्वेश्चन देते ही आंसर दे दोगे यार। 4.5 कितना बता रहे हो आंसर? 4.5। वेरी गुड, 4.5 इज द करेक्ट आंसर। भैया कैसे आया 4.5? ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम एग्जैक्टली सेम ही तो है, इसी कॉन्सेप्ट का तो क्वेश्चन दिया है कि यार ये इंसेक्ट जो क्रॉल कर रहा है ये बेसिकली हमारे एक वॉल की तरह एक्ट कर रहा है, बीच में पर्सन और यहाँ पे मिरर, तो मुझे पता है मेरे को मैक्सिमम कितनी लेंथ इस मिरर में दिखाई दे सकती है। भैया लेंथ ऑफ द मिरर h बाय 3 है तो h कितना हो जाएगा 3l, तो मैक्सिमम मेरे को मिरर के 1/3 मतलब 3 टाइम्स लेंथ तक इस मिरर में दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 × 1.5, तो 3 × 1.5 कितना आ जाएगा भैया 4.5। बिल्कुल आंसर करेक्ट है, 4.5 मीटर तक ये इंसेक्ट मेरे को दिखाई देगा, उसके बाद अगर ये क्रॉल कर रहा है तो मेरे को दिखाई नहीं देगा। यस सर, कंप्लीट कर लो यहाँ तक। सर डन। डन, चलो भैया बहुत बढ़िया। तो अब शुरू से चेक करो, आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है? अभी हमारे 2 पॉइंट्स और बचे हैं, टोटल हमें 9 पॉइंट्स पढ़ने हैं प्लेन मिरर के, हमने 7 पॉइंट्स पढ़ लिए, 2 पॉइंट्स बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से स्लाइड कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना, किसी भी पार्ट में डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहली चीज मैंने आपको बोली कि लाइट रे फॉल डाउन कर रही है, 3 फिनोमिनन हो सकते हैं। अब इन 3 फिनोमिनन में हमारी लाइट की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, हमने वो चीजें डिस्कस करी। उसके बाद फिर हमने ये अपना फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट फिनोमिनन डिस्कस करने लग गए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज, उस पर फिर हमने ये 2 क्वेश्चन किए। आपको बस क्या ध्यान देना है कि जो हमारा कंपोनेंट मिरर के पैरेलल आएगा, कभी मेरे को उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, उसको तो हम साइड में रख देंगे वैल्यू को। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू के लिए कैलकुलेशंस करने हैं, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर टू द मिरर वाले कंपोनेंट के लिए कैलकुलेशंस करने हैं। तो एक ही हमने क्वेश्चन कर लिया था जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला मिल गया 180 − 2i, ये वाला क्वेश्चन, रियल इमेज वर्चुअल इमेजेस के बीच का डिफरेंस, फिर प्लेन मिरर की ये 5 और 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। फर्स्ट वर्चुअल इंटरैक्ट, साइज सेम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सेम, टाइम से डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी बन जाएगा और ये वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में होगी, तो VOM इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VIM, जहां पे मेरे को फिर से रिकॉल कराओ ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी गुड, कि जहां ऑब्जेक्ट जाएगा उसके अपोजिट इमेज जाएगी। बढ़िया, इसी पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया और मैंने इसी में ये चीज आपको समझाने की कोशिश करी कि 12 मीटर वाली वैल्यू के लिए हमें कुछ सॉल्व नहीं करना 12 मीटर पर सेकंड के लिए, क्योंकि वो पैरेलल कंपोनेंट है। हमें जो सॉल्व करना था वो 16 मीटर पर सेकंड के लिए सॉल्व करना था, क्योंकि वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और फिर हमारा ये 2 पॉइंट्स कि अगर पर्सन अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है मिरर में तो मिरर हाफ लेंथ होनी चाहिए हाइट ऑफ द पर्सन के, अगर पर्सन अपने पीछे वाली वॉल की पूरी इमेज देखना चाहता है तो मिरर की लेंथ हाइट बाय 3 होनी चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा होगी तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम h बाय 3 तो होनी चाहिए। यस सर। चलो डन, तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय।